हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टीवी सोर्सिंग चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग का कंप्यूटर क्लास है। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था, पहले तो अगर आपको उसे ओपन करना है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट एसेसरीज। इस तरह से फिर आपके पास लिस्ट खुल जाएंगे। तो पिछली क्लास में मैंने ब्लूटूथ फाइल, कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, कनेक्ट टू अ नेटवर्क प्रोजेक्टर, कनेक्ट टू अ प्रोजेक्टर, गेटिंग स्टार्टेड, मैथ्स इनपुट पैनल, नोटपैड और पेंट, इतने चीज़ों के बारे में मैंने थ्योरी आपको बताया। प्रैक्टिकल क्लास अभी तक नहीं हुआ है, थ्योरी क्लास मैंने आपको बताया है। आज हम लोग जानेंगे बाकी के बचे हुए जो फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, रन स्निपिंग टूल्स, साउंड रिकॉर्डर, स्टिकी नोट्स एंड साइन सेंटर, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो मोबाइलिटी सेंटर एंड वर्डपैड, इतने तरह के कुछ ऑप्शन है जिसको हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। थ्राउट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क थ्राउट और रिमोट कंप्यूटर कैन बी इम्प्रूव और मॉडिफाई बाय टेकिंग इट टू द रिमोट। ये एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसपे आप किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है, किसी पीसी को आप किसी दूसरे पीसी पे रिमोटली एक्सेस करते हो, यानी नेटवर्क के थ्रू आप उसे कनेक्ट करते हो और रिमोट पे ले लेते हो, यानी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उस कंप्यूटर को आपने अपने कंप्यूटर पे ले लिया और अपने कंप्यूटर के लेने के बाद उसमें किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसे मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, कॉपी पेस्ट फाइल वगैरह कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप उसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर आपको मिल जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर में कभी कभी, तो आप उस जगह पे ना जाके, अगर वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करके उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा फ्यूचर है ये और इसके ऊपर मेरा पूरा एक क्लास रहेगा प्रैक्टिकल का। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को मिलता है रन का। ओके, तो हम लोग चलिए देखिए, रन आ गया है यहाँ पे। तो रन एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, रन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफर्ड इन विंडोज़। विंडोज़ की तरफ से रन दिया हुआ एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। इट इज़ यूज टू यूटिलाइज ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स इन विंडोज़ एंड इट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ टास्क व्यू कमांड्स। तो कहने का मतलब ये विंडोज़ के अंदर आप किसी भी तरह का फ्यूचर्स को अगर ऑन करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी फ्यूचर्स को आपको ओपन करना है या कमांड के थ्रू कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कंप्यूटर के अंदर जितने भी तरह के टास्क होते हैं वो सारे टास्क को करने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है कमांड के थ्रू। आप इसमें कमांड डालोगे वो टास्क होगा, यानी अगर आपको कंप्यूटर ओपन करना है आप लिखो माई कंप्यूटर, ओपन हो जाएगा, नोटपैड लिख दो ओपन हो जाएगा, पेंट लिख दो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे, जिसका भी नाम दोगे, अगर वो सिस्टम में अवेलेबल है, सिस्टम का पार्ट्स है, तो वो ओपन हो जाएगा अगर वो काम का है, सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर। मैं आपको बताऊंगा आगे इसका प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा यहाँ पे फ्यूचर एक है स्निपिंग टूल्स का। द स्निपिंग टूल्स इज द फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस इन विंडोज 7 दैट अलाउ टू टेक ऑल और पार्ट ऑफ स्क्रीन शॉट एंड सेव द इमेज। यानी आप पूरे स्क्रीन का या स्क्रीन के किसी एक पार्ट का आप स्क्रीन शॉट लेके उसे सेव करके रख सकते हो। वो फीचर हमें स्निपिंग टूल्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप मोबाइल पे देखते होगे, मोबाइल का हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं, सेम चीज़ है। अगर हमें कंप्यूटर का और डिस्प्ले का स्क्रीन शॉट लेना है तो हम लोग पूरा डिस्प्ले का ले सकते हैं या फिर किसी सेलेक्टेड पार्टिकुलर कोई छोटा सा पार्ट्स का भी हम यहाँ से क्लिक करके पिक्चर लेके उसे सेव करके रख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़ का ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ही ऑप्शन है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर लेट्स यू रिकॉर्ड अ साउंड एंड सेव इट एज एन ऑडियो फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो आप जान ही रहे साउंड रिकॉर्डर का काम क्या है, इसमें साउंड को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप वगैरह तो उसमें माइक इंक्लूड आपको मिल ही जाता है, डेस्कटॉप है तो अलग से आपको एक हेडफोन वगैरह लगाना है और इसमें आप साउंड रिकॉर्ड करके अगर कुछ चाहें तो आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं तो स्टिकी नोट्स इज अ डेस्कटॉप नोट्स एप्लीकेशन इंक्लूडेड इन विंडोज 7। दिस प्रोग्राम अलाउ यूज़र टू टेक नोट्स। ये एक तरह का, मतलब आपने देखा होगा घर पे कहीं कहीं हम लोग पर्चे में लिख लिख के चिपका देते हैं कुछ चीज़ें, हम लोग अगर भूल जाते हैं तो वही चीज़ है। यहाँ कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर आप डेस्कटॉप पे आप बहुत सारे वहाँ पे टैग लगा सकते हो। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो इस तरह से एक छोटा सा पेज आपको मिलता है, उसमें आप लिख के उसे टैग लगा कर रख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर्स है विंडोज़ के अंदर ये भी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट है स्निकिंग सेंटर का। स्निकिंग सेंटर गिव्स यू सम कंट्रोल्स ओवर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन अ नेटवर्क फाइल एंड इट्स
एसोसिएटेड ऑफलाइन फाइल स्निक सेंटर इट यूज टू कंजोरिंग विथ ऑफलाइन फाइल्स। ये स्निक करने के लिए बहुत अच्छा काम में आता है। आपको डाटा स्निक करके अगर रखना है तो आप इसे ऑफलाइन यूज करके रख सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। इसमें मुझे पूरी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, आगे का प्रैक्टिकल क्लास में मैं इसे पूरी डीपली आपको बताऊंगा। ये भी बहुत अच्छा फ्यूचर्स है। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं विंडोज एक्सप्लोरर की। तो टू व्यू योर लाइब्रेरी फाइल एंड फोल्डर्स यू हैव टू यूज़ विंडो एक्सप्लोरर। आप अपने लाइब्रेरी को अगर देखना चाह रहे हो, वीडियोस है, फाइल्स हैं, कंप्यूटर्स है या यूज़र्स हैं, कुछ भी खोलोगे तो वो जो टैब खुल के हमारे पास आता है, वो जो बॉक्स खुलता है, उसी को हम लोग विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर क्या क्या आता है, किस तरह से उसके अंदर ऐड करके रख सकते हैं, शॉर्टकट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, विंडो मोबाइलिटी सेंटर। ये बहुत अच्छा फ्यूचर है। मोबाइलिटी सेंटर प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू फंक्शंस सच एज बैटरी, वायरलेस, डिस्प्ले ब्राइटनेस, ईटीसी। मोबाइलिटी सेंटर इज अ मेनली डिजाइनेड फॉर लैपटॉप यूजर। ये मेनली इसको डिजाइन किया गया लैपटॉप यूज के लिए। विंडोज में भी इस तरह से एक छोटा सा सेंटर बना के दिया गया, जहाँ पे आप बहुत सारे फीचर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसको बहुत इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। जैसे आप देख रहे हो डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, साउंड का कंट्रोलेशन है, बैटरी सेविंग है, नेटवर्क है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप इसे कर सकते हो, मेनली ये लैपटॉप यूजर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन है वर्डपैड का। वर्डपैड इज अ लाइट वेट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स यू विच द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ वर्ड प्रोसेस। तो ये एक आपका टेक्स्ट प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने पिछला क्लास में आपको नोटपैड बताया था। तो नोटपैड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप उसमें ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसमें ज़्यादा एडिशन का नहीं मिलता है। और इसमें आप क्या है, कुछ हद तक आप इसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह, थोड़ा बहुत टेक्स्ट को आप अरेंज कर सकते हैं। विंडो 7 इंक्लूड अ शॉर्टकट टू वर्ड पैड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंदर इसका शॉर्टकट अवेलेबल रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो हम लोग एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर जो वर्ड हम लोग को मिलता है, ये उसी तरह बिल्कुल काम करता है। वर्ड बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये उसका एक तरह से छोटा वर्जन है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा, अगर आपके पास ऑफिस नहीं है और आपको अर्जेंट में कुछ वर्क करना है तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा से फाइलिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका। तो आज की क्लास में बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ शेयर कर लें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए सबसे पहले। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लें जाके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।